हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हमारा आज का सेशन अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स के एम पे है लास्ट क्लास में हमने नेक्स्ट फिफ्टी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे तो ओवरऑल अभी तक हमने हंड्रेड एम डिस्कस किए हैं जो बेसिकली सी फाउंडेशन सी फाउंडेशन एम कॉम एंट्रेंस एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत रेलिवेंट है आज हम लोग नेक्स्ट फिफ्टी क्वेश्चन डील करने वाले हैं अब डिमांड चैप्टर की बात करें तो ये भी बहुत रेलेवेंट चैप्टर है डिमांड एंड सप्लाई मार्केट ये सब बहुत रेलेवेंट चैप्टर है हर एक एग्जाम एक के लिए जो कि बेसिकली कॉमर्स बेस्ड है क्लियर अब देखो यहाँ हमने अगेन 101 हंड्रेड वन टू वन क्वेश्चन स्किप किया है क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे 104 पे इम्प्लिसिट कॉस्ट आर देखो दो तरह का कॉस्ट होता है एक होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होता है जो कि आपको किसी को पे नहीं करना पड़ता जो कि आपको बुक्स में नहीं दिखाना पड़ता जैसे अगर मान लो हम अपनी कोचिंग सेंटर के ओनर हैं क्लियर अगर हम अपनी कोचिंग अगर हम अपनी कोचिंग में सर्विस दे रहे हैं तो नो no डाउट हमें उसके लिए कोई सैलरी नहीं मिलेगी क्यों क्योंकि हम ओनर हैं बट अगर मान लो यही टाइम हम कहीं बाहर किसी कोचिंग सेंटर में इन्वेस्ट करते तो हमें कुछ ना कुछ सैलरी मिलती जो कि वो अपनी बुक्स में दिखाते क्लियर बट एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऐसा नहीं होता एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जैसे हमने किसी और पर्सन को अपॉइंट किया और उसको सैलरी पे कर रहे हैं तो क्या ये हम बुक्स में दिखाएंगे हाँ दिखाएंगे क्लियर तो अगर हम लोग इम्प्लिसिड कॉस्ट की बात करें तो इम्प्लिसिड कॉस्ट मतलब पेमेंट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी नेक्स्ट विच वुड बी एन इम्प्लिसिड कॉस्ट फॉर अ फर्म ऑफ वर्कर वेजेस एंड सैलरीज फॉर द फर्म नहीं ये एक्सप्लेसिड कॉस्ट है क्योंकि आप उसको बुक्स में दिखाते हो पेड फॉर लीजिंग अ बिल्डिंग फॉर द फर्म पेड फॉर प्रोडक्शन सप्लाइज फॉर द फर्म अगर आपको इम्प्लेसिड एक्सप्लेसिड ना समझ पाए तो आप इतना समझना है कि क्या ये हम इसको ट्रेडिंग पेयल में दिखाते हैं अगर इसको ट्रेडिंग पेयल में दिखाएंगे तो ये एक्सप्लेसिड कॉस्ट है अगर ट्रेडिंग पेयल में इसको नहीं शो करते हैं तो ये इम्प्लेसिड कॉस्ट है और वेजेस फॉर गोन बाई फोर गॉन बाय द ओनर ऑफ द फर्म नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा डी मतलब वो वेजेस जो हम ले सकते थे अगर हम कहीं और काम करते बट क्योंकि हम अपने बिजनेस के लिए काम करें तो वो पैसा हम नहीं लेंगे और ना लेंगे और ना बुक्स में दिखाएंगे क्लियर नेक्स्ट इन अ फर्म्स रेवेन्यू जस्ट कवर ऑल इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन रेवेन्यू क्या कवर कर रहा है जितनी भी ऑल्टरनेट कॉस्ट थी दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसको कवर कर रहा है तो उस केस में हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या रहेगा जीरो नेक्स्ट सपोज अ फर्म सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट अ price लोअर देन द opportunity कॉस्ट ऑफ द इनपुट्स यूज टू प्रोड्यूस इट विच इज ट्रू कह रहा है कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बना करके बेच रहे हैं जिसकी प्राइस क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कम है अपर्चुनिटी कॉस्ट होपफुली सबको पता होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव कॉस्ट मतलब जैसे इफ इन केस मान लो हम प्रोडक्ट ए बना रहे हैं हमें बारह रुपये मिल रहा है हम प्रोडक्ट बी बनाते हमें दस रुपये मिलता तो नो डाउट हम क्या बनाएंगे बारह का प्रोडक्ट बट <coughs> मतलब जिसकी सेलिंग प्राइस बारह रुपये है बट अगर हम बारह रुपये का प्रोडक्ट नहीं बनाते तो हम कौन सा बनाते दस रुपये क्लियर आगे क्वेश्चन में कह रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द इनपुट्स यूज टू प्रोड्यूस इट मतलब कह रहा है कि जो इन इनपुट लगाया गया है बनाने में उससे भी हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कम है तो उस केस में नो no डाउट क्या पॉसिबिलिटी है द फर्म विल अर्न अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट नो मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट तो आप अर्न कर पाओगे बट क्या अर्न कर सकते हो नहीं इकोनॉमिक तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप अर्न कर पाओ क्लियर तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी द फर्म में अर्न अकाउंटिंग प्रॉफिट बट विल फेस इकोनॉमिक लॉसेज नेक्स्ट सपोज दैट अ फर्म प्रोड्यूस टू लैख यूनिट्स अ ईयर एंड सेल्स दैम ऑल फोर रूपीज अ टेन ईच The the explicit cost of the production is ऑफ lakh, and the implicit cost is द lakh. The firm has an accounting profit of. अच्छा अब यहाँ पे एक चीज देख लो कि अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 107 में वही दिया था तो अकाउंटिंग प्रॉफिट मतलब होता है कि जब हम टोटल रेवेन्यू में से सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस करते हैं एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब होता है जब हम टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी माइनस करेंगे एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी माइनस करेंगे क्लियर तो ये याद रखना दोनों का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट में सिंपली कैसे कैलकुलेट करते हैं रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस करते हैं और इकोनॉमिक प्रॉफिट का अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो दोनों को माइनस करते हैं क्लियर तो अब ऑप्शन देखो जब हमारे पास टू लैख दिया हुआ है कि हम टू लैख यूनिट्स बना रहे टेन रुपीज की तो ट्वेंटी लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया क्लियर हमसे क्वेश्चन तो में क्या पूछा अकाउंटिंग प्रॉफिट तो हम इसमें से क्या माइनस करेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आएगा फाइव लाख क्लियर अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट पूछा होता तो ट्वेंटी लाख में से हम ये फिफ्टीन लाख तो माइनस करते करते साथ ही साथ ये थ्री लाख दैट इज इम्प्लिसिड कॉस्ट भी माइनस करते एटीन लाख का तो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना हो जाता बेटा बेटर टू लाख क्लियर तो ये फॉर्मूले पे ही सिर्फ हमने वैल्यूएशन की है तो करेक्ट आंसर क्या होगा ए नेक्स्ट शॉर्ट रन इन अ टाइम पीरियड इन विच अब शॉर्ट रन के केस में क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स हमारे वेरिएबल होते हैं और कुछ फैक्टर्स फिक्सड होते हैं क्लियर जैसे लेबर है तो वो वेरिएबल होगा लैंड है तो वो फिक्स होगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नेक्स्ट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट्स दैट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब सिंपली क्या कि जो जनरली हमने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कि जैसे जैसे आप ज़्यादा ज्यादा कंजम्पशन करते जाओगे वैसे वैसे जो आपकी यूटिलिटी है जो उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम होती जाती है क्लियर तो एज पर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा एज अ फर्म यूजेज मोर ऑफ अ वेरिएबल रिसोर्स गिवन द क्वांटिटी ऑफ फिक्सड रिसोर्सेज क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या होता है रिसोर्सेज फिक्सड होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न किस में होता है शॉर्ट रन में होता है क्लियर और अगर लॉन्ग रन की बात करें तो उस केस में होता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्लियर तो शॉर्ट टर्म में क्या कुछ है कुछ फैक्टर्स वेरिएबल है कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड है तो जो फैक्टर्स वेरिएबल है उनको आप बढ़ाते जा, जाते हो जैसे लेबर क्लियर बट लैंड तो आपकी फिक्स्ड है ना तो उस केस में क्या होगा मार्शल प्रोडक्ट ऑफ फर्म विल इवेंचुअली डिक्रीज मतलब हर एक यूनिट ऑफ लेबर से जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा या या हर एक यूनिट ऑफ लेबर जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे वैसे वैसे जो प्रोडक्शन लेवल है वो क्या होगा डिक्रीज होगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ओनली अप्लाइज इन केसेस वेयर बट ऑब्वियस जहां कम से कम कोई एक फैक्टर तो क्या होना चाहिए फिक्स होना चाहिए क्योंकि अभी हमने बताया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कब होता है शॉर्ट रन में नेक्स्ट द मार्शल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कर्व शोज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम वन यूनिट इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रिसोर्स यूज लेटिंग अदर रिसोर्सेज वैरी वन यूनिट इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रिसोर्स यूज्ड होल्डिंग कांस्टेंट अदर रिसोर्सेज करेक्ट आंसर क्या होगा बी mm -hmm. इसका मतलब भी समझो कि जहां हम लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं बट लैंड क्या है कॉन्स्टेंट है क्लियर नेक्स्ट वेन द टोटल प्रोडक्ट कर्व इज फॉलिंग अब देखो यहां पर रिलेशनशिप की बात कर रहा है अब देखो जब कह रहा है कि टोटल प्रोडक्ट कर्व फॉल करेगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारा मार्शल प्रोडक्ट कर्व है वो for, वो नेगेटिव हो चुका होता है तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी मार्शल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नेगेटिव नेक्स्ट व्हेन मार्शल प्रोडक्ट रीचेज इट्स मैक्सिमम व्हाट कैन बी सेड ऑफ टोटल प्रोडक्ट जब मार्शल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पे होता है तो टोटल प्रोडक्ट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है इंक्रीज ही होता रहता है क्लियर क्योंकि जब ये अपने मैक्सिमम पे होता है तब मार्शल प्रोडक्ट जीरो होता है और जब ये फॉल करना स्टार्ट होता है तब मार्शल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है क्लियर तो अगर मार्जिनल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा तो करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट हमेशा वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन लेवल के साथ चेंज होती है तो करेक्ट आंसर होगा सी कॉस्ट दैट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन नेक्स्ट विच इज नॉट अ फिक्स कॉस्ट मंथली रेंट मंथली रेंट की अगर बात करें तो ये फिक्स कॉस्ट होगा इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि मंथ वाइज पे करें ये भी फिक्स कॉस्ट होगा अटर्नीज रिटेनर पर ईयर ये भी हर साल पे किया जा रहा है तो फिक्स कॉस्ट होगा बट वेजेस ऑफ रुपीज फिफ्टीन पर आवर हर घंटे के हिसाब से मतलब जितना ज्यादा आवर ये इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा इनको पैसा मिलेगा तो ये क्या है वेरिएबल कॉस्ट नेक्स्ट इफ यू नो दैट विद एट यूनिट्स ऑफ आउटपुट एवरेज फिक्स कॉस्ट इज ट्व पॉइंट फाइव जीरो एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी दिया है देन टोटल कॉस्ट एट दिस आउटपुट लेवल इज हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है टोटल कॉस्ट पूछा है तो पहले विद द हेल्प ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम क्या निकाल लेंगे एवरेज कॉस्ट एंड विद हेल्प ऑफ एवरेज कॉस्ट हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे कैसे देखो ए एफ सी प्लस ए वी सी ये क्या होता है बेटा ए टी सी क्लियर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आएगा नाइन्टी थ्री पॉइंट सेवन फाइव अब देखो एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वान्टिटी ये दिया नाइन्टी थ्री पॉइंट सेवन फाइव और क्वांटिटी कितनी दी है एट तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा क्लियर तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है सेवन फिफ्टी सिर्फ फॉर्मूले पे ही हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है नेक्स्ट अब फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है फर्म का एवरेज टोटल कॉस्ट दिया है वेरिएबल कॉस्ट दिया है उसकी आउटपुट निकालना है बहुत ही ईजिली आप उसकी आउटपुट निकाल सकते हो देखो एवरेज टोटल कॉस्ट कितना है एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट क्लियर अब एवरेज टोटल कॉस्ट है थ्री एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है टू पॉइंट फाइव जीरो तो एवरेज फिक्स कॉस्ट मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जो कि आएगा पॉइंट टू फाइव क्लियर अब एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ये मेरे पास दिया हुआ है पॉइंट फाइव जीरो एंड टोटल फिक्स कॉस्ट कितना दिया है फोर हंड्रेड क्वांटिटी तो को इधर ले जाओ पॉइंट फाइव जीरो को नीचे ले आओ तो करेक्ट तो आंसर आ जाएगा आंसर क्या आएगा एट हंड्रेड यूनिट क्लियर नेक्स्ट द रीजन ऑफ द मार्शल कॉस्ट कर्व इवेंचुअली इंक्रीजेस एज आउटपुट इंक्रीजेस फॉर द टिपिकल फर्म इज बिकॉज बेसिकली किसकी वजह से होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से नेक्स्ट इफ द शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ फर्म आर राइजिंग देन दिस इंडिकेट्स दैट क्या कह रहा है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है वो राइज कर रहा है तो जब तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज करता है तब तक मार्जिनल कॉस्ट हमेशा क्या होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अबव होता है ये सारे के सारे रिलेशनशिप्स आपको ये सा, ये एम में हम कवर करा देंगे अलग से इस पर अगर आप बोलोगे तो हम उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं अगर अलग से इन सबका रिलेशनशिप चाहिए तो वो भी बताना हम अलग से भी क्लास अपलोड कर देंगे इफ मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी वॉज डिस्कवर्ड बाय अ फर्म देयर वुड बी अगर ज्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आपने कवर कर ली ना तो उस केस पे ए बी सी ए एफ सी ए एफ सी कर्व पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर मार्जिनल कॉस्ट में क्या होगा डाउनवर्ड शिफ्ट होगा द फर्म्स शॉर्ट रन मार्जनल कॉस्ट कर्व इज इंक्रीजिंग वेन नेक्स्ट अ फर्म इनकाउंटरिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल ओवर सम रेंज ऑफ आउटपुट इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात कर रहा है तो नो no डाउट हम किस की बात करेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की क्लियर और जहां इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा ओवरसम रेंज ऑफ आउटपुट तो उस केस में हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल करेगा ना कि राइज क्लियर तो फर्स्ट में राइजिंग दिया था थर्ड में कॉन्स्टेंट दिया था और लास्ट में तो तीनों दिया हुआ है तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी कि अगर फर्म इनकाउंटर कर रहा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल ओवर सम रेंज ऑफ आउटपुट उस केस में हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का फॉल करेगा नेक्स्ट वेन अ फर्म डबल्स इट्स इनपुट्स एंड फाइंड्स दैट इट आउटपुट हैज मोर देन डबल देन इट इज नोन एज नो डाउट इकोनॉमीज ऑफ स्केल कि हमने इनपुट लेट से सौ यूनिट थी उसको दो सौ यूनिट कर दी दैट इज टू हंड्रेड बट हमारा आउटपुट उससे भी ज्यादा बढ़ रहा है मतलब डबल बढ़ रहा है तो उस केस में इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ऑफ स्केल द लार्जर द डायमीटर ऑफ अ नेचुरल गैस पाइपलाइन द लोअर इज द एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग वन थाउजेंड क्यूबिक फीट ऑफ गैस वन थाउजेंड माइल्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अगेन एग्जाम्पल है इकनोमीज ऑफ स्केल का बेसिकली अगर हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करें तो इकनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि अ अप्रपोर्शनेट सेविंग इन कॉस्ट गेन बाय एन इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोडक्शन मतलब आपकी कॉस्ट सेव हो रही है एंड आपका जो प्रोडक्शन लेवल है वो इंक्रीज हो जा रहा है तो यहाँ देखो हमने यही चीज बोला है कि हमारा जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रहा है तो जब एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है तो नो डाउट तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल नेक्स्ट When the demand changes due to changes in other factors like taste, preference, income, price of related goods, dash it is called. ये last class में हमने बताया था कि उस case में क्या होता है कि हमारा demand curve either increase होता है या decrease होता है That is movement along the same demand curve नहीं होगी हमेशा क्या होगा shift in demand curve. तो correct answer क्या होगा C. Next, in the case of consumer may moves to higher or lower demand curve. अब simply यहाँ पे देखो यही चीज़ बताया है कि आप मूव कर सकते हो एक डिमांड कर्व से दूसरे डिमांड कर्व पे और ऐसा क्या होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व में मतलब बेसिकली जब प्राइस कांस्टेंट होता है एंड बाकी फैक्टर्स में चेंज होता है तो उस केस में हमारा डिमांड कर्व क्या होता है शिफ्ट होता है आई दर राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड द गिफिन गुड्स आर गुड्स गिफिन गुड्स वो गुड्स होता है जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होता है उसको हम लोग इन्फीरियर गुड्स भी कह सकते हैं नेक्स्ट हाई द प्राइस ऑफ सर्टन लग्जीरियस आर्टिकल्स हायर विल बी द डिमांड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वेबलेनफिक्स इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेबलिन इफेक्ट इज नॉब इफेक्ट क्लियर तो करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट डिमांड फॉर मिल्क शुगर टी फॉर मेकिंग टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंट डिमांड क्योंकि अगर आप टी बना रहे हो तो उसकी वजह से इन तीनों की डिमांड हो रही तो इस तरह की डिमांड को हम क्या कहते हैं ज्वाइंट डिमांड नेक्स्ट डिमांड फॉर इलास्टिसिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है कंपोजिट डिमांड का डिमांड फॉर टायर्स डिपेंड्स ऑन डिमांड ऑफ व्हीकल्स द डिमांड ऑफ टायर्स कॉल्ड एज अब देखो डिमांड ऑफ टायर टायर की डिमांड किस पे डिपेंड करती है व्हीकल पे तो नो no डाउट ये क्या हो जाएगी डेरिवेटिव डिमांड जो डिराइव हो रही है किसकी वजह से व्हीकल की वजह से क्लियर नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इंक्लूड इनक्लूड्स हमने लास्ट क्लास में बताया था कि प्राइस भी है नेचर भी है इनकम वेल्थ भी है तो करेक्ट आंसर होगा डी एक्सेप्शनल डिमांड कर्व दैट इज परवर्स डिमांड कर्व एक्सेप्शनल डिमांड कर्व ऐसे नहीं बनता पाई ये तो क्या है नॉर्मल डिमांड कर्व है एक्सेप्शनल डिमांड कर्व अपवर्ड बनेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो करेक्ट आंसर क्या होगा ए विज द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व क्या आप चीज पूछा है एक्सेप्शन पैराडॉक्स uh, है वेबलन इफेक्ट्स है नेसेसरीज है इन सब में क्या होता है कि हमारा डिमांड कब इस तरीके से अपवर्ड बनता है बट इनकम इफेक्ट में डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा क्लियर तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एल्फ्रेड मार्शल प्राइज ऑफ डिमांड प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली देखो इसका मतलब क्या होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस तो फर्स्ट भी करेक्ट आंसर है सेकेंड भी ये डिमांडेड यहाँ पे है क्वांटिटी डिमांडेड ठीक है इसका एक और ये भी तो फॉर्मूला था ना चेंज इन क्वान्टिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी ठीक तो ये भी फॉर्मूला हो गया सी भी फॉर्मूला है क्योंकि वो भी वही चीज दिया हुआ है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस तो करेक्ट आंसर क्या होगा डी ऑल ऑफ द अबब नेक्स्ट वेन ए स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड्स टू इन्फिनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अब देखो कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि अगर हमने प्राइस में स्मॉल चेंज किया तो इन्फिनाइट चेंज हो जाएगा अगर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में तो नो डाउट ई डी इज इक्वल टू क्या है इन्फिनाइट तो करेक्ट आंसर क्या होगा ए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्वांटिटी रिमेंस द सेम वट एवर द चेंज इन प्राइस स इज अ केस ऑफ मतलब हमारी क्वांटिटी सेम है भले आप प्राइस को इंक्रीज करो या प्राइस को डिक्रीज करो तो नो डाउट ईडी इज इगल टू क्या है जीरो जहां पे हमारे डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है क्लियर तो उसको हम क्या कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड नाम भी देख लो रिलेटिव इलास्टिक डिमांड अगर है तो ईडी इज ग्रेटर देन वन है रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड को ईडी इज लेस देन वन बोलते हैं क्लियर हम अलग अलग नाम बस बताते रहे नेक्स्ट इन द केस ऑफ डैश ए स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड्स ट वेरी बिग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आप देखो बिग चेंज बोला है इन्फिनाइट नहीं बोला है मतलब अगर आपने प्राइज को टेन परसेंट से डिक्रीज किया तो डिमांड इनक्रीज होगी पर पंद्रह परसेंट से तो इसको हम लोग क्या कहते हैं ई डी इज ग्रेटर देन वन क्लियर तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी रिलेटिव अलास्टिक डिमांड नेक्स्ट इन केस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस लेस द प्रोपोर्शनेजेस इन प्राइज मतलब प्राइज अगर डिक्रीज हो रहा है टेन परसेंट से तो डिमांड इंक्रीज हो रही है बट ओनली फाइव परसेंट से तो ऐसा क्या होता है ईडी इज लेस देन वन के केस में तो करेक्ट आंसर क्या होगा डी रिलेटिव रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड नेक्स्ट वेन द चेंज इन डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल टू चेंज इन प्राइस इट इज कॉल्ड मतलब प्राइस डिक्रीज हुआ टेन परसेंट से और डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है टेन परसेंट से तो ये क्या है ईडी इज इक्वल टू वन तो करेक्ट आंसर क्या होगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यहां से आपको सारे नेम भी क्लियर हो जाएंगे एंड रिलेशनशिप भी दैट इज 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 इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी ऑफ ऑफ प्राइस इक्वल इक्वल टू टू इन केस डैश अब ED is equal to zero कब होता है नो no डाउट जब ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होती है दैट इज करेक्ट आंसर क्या होगा बी इस केस में इज इक्वल टू है परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा ईडी इज इक्वल टू इन्फेनाइट रिलेटिव इलास्टिक में क्या होगा ईडी इज ग्रेटर देन वन एंड यूनिटरी इलास्टिक मतलब ईडी इज इक्वल टू वन क्लियर नेक्स्ट परफेक्ट इलास्टिसिटी इज नोन एज परफेक्ट इलास्टिसिटी को हम और किस नाम से जानते हैं इंफेनाइट इलास्टिक क्लियर दैट इज ईडी टू इंफेनाइट इन द केस ऑफ परफेक्ट इलास्टिसिटी द डिमांड कर्व इज डिमांड कर्व हमेशा इस तरीके से बनता है दैट इज पैरल टू एक्स एक्सेस जिसको हम हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हॉरिजोंटल नेक्स्ट इन केस ऑफ परफेक्ट इन इलास्टिसिटी द डिमांड कर्व इज परफेक्ट इन इलास्टिसिटी मतलब ईडी इज इक्वल टू जीरो और इस केस में हमारा डिमांड कब बनता है पैरेलल टू वाई एक्सिस दैट इज हम इसको और क्या कह सकते हैं वर्टिकल क्लियर ई पी इज इक्वल टू डैश इन केस ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड देखो हम ये बता चुके हैं कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड मतलब जब ईडी इज ग्रेटर देन वन होगा ये सब ना यहाँ से आप लोगों को लर्न होता जाएगा नेक्स्ट इन केस ऑफ इलास्टिसिटी इन केस ऑफ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड ये क्या है ईडी तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी इन केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड दैट इज ईडी इस तरीके से बनता है दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड आज का लास्ट क्वेश्चन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अगेन यूनिट की बात करें तो ईडी टू क्या हो जाएगा वन ईपी क्या इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस तो करेक्ट आंसर होगा वन ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट है इसलिए हम कह रहे हैं कि इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो चाहे आप सीए फाउंडेशन की बात करो सीएमए फाउंडेशन की बात करो या एमकॉम एंट्रेंस की बात करो हर एक लेवल पे नहीं ये सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं क्लियर अगर आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ लोग कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स आज के लिए बस इतना थैंक यू सो मच